Hey guys, this is Raj Kadam here and I'm back with another video. So this is going to be my first episode of my transformation. तो मैंने अभी इसका नाम नहीं सोचा, बट अपने टाइटल में पढ़ भी लिया होगा। मेरे दिमाग में दो नेम्स है, फिट टू फैट टू फिट सीरीज या फिर पोस्ट लॉकडाउन 2.0। सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। तो जैसे आपने देखा, मैं अभी मॉर्निंग वॉक पे आया हूँ। मैं 10K स्टेप्स अडे करने वाला हूँ, जो कि ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर्स होता है। मैं वॉकिंग प्रेफर करता हूँ दूसरे कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज के जगह पर, क्योंकि इससे हमारे बॉडी पे उतना स्ट्रेस नहीं आता जितना कि दूसरे एक्सरसाइज आता है, जैसे कि रनिंग, और इससे रिकवरी में भी कोई रुकावट नहीं होती। मैंने अभी 8K स्टेप्स कंप्लीट किए, तो मैं अभी घर जाने वाला हूँ, तो वहाँ पे मिलते हैं। आई एम बैक होम गाइस। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, तो मैं अभी फर्स्ट मील लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो करने वाला हूँ। मैंने लास्ट मील कल रात 10 बजे ली थी, तो अभी 12 आज का फास्ट हो गया। मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो करने वाला हूँ, क्योंकि इससे हमारा एक छोटा टाइम पीरियड होता है जिसमें हम खा सकते हैं, और इट्स ईजी टू बी ऑन डाइट। मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करने वाला हूँ, बिकॉज जब हम फास्टिंग स्टेट में होते हैं, तो 12 आवर्स फास्ट करने के बाद हमारे हार्मोनल प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है, विच हेल्प्स इन रिकवरी। एंड जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, तब टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज होता है। ये कोई मिथ नहीं है, ना ही कोई ब्रो साइंस है। एक स्टडी हुई थी जहाँ पे 20 पर्सन्स को लिया गया था और उन पर ये मेथड अप्लाई की थी, तो आफ्टर 12 आवर्स उनका हार्मोनल प्रोडक्शन बढ़ गया था, मेनली ग्रोथ हार्मोन। सो जब ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ता है, तब वो अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी बढ़ता है, एंड दिस टू हार्मोन्स आर इसेंशियल फॉर आवर मसल ग्रोथ एंड फैट लॉस। जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू दैट मैं कोई सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट या सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं हूँ, बट ये सब मेरा 3 ईयर्स की रिसर्च है, जो भी मैंने पढ़ा है और मैंने खुद पे अप्लाई किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, वही मैं आपको बताता हूँ। सो जो भी स्टडीज़ हो गए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो धीरे धीरे मैं फास्टिंग का टाइम बढ़ाते जाऊंगा। मैन दिस क्रोज फक सो वेयर वाज आई। तो हाँ, तो मैं अभी मेरे ईटिंग विंडो स्मॉल करते जाऊंगा और फास्टिंग विंडो बढ़ाते जाऊंगा, जिससे कि मेरा जो ईटिंग विंडो है स्मॉल होने के कारण मैं कम खाऊंगा उतने टाइम पीरियड में। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मैं गेन टेनिंग या फिर बॉडी रिकम्पोजिशन करने वाला हूँ, तो इसमें मैं एटलीस्ट टू वीक्स के लिए मैं मेंटेनेंस कैलोरीज में खाने वाला हूँ, जिसमें कि मेरे मैक्रोज होंगे 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 300 ग्राम्स ऑफ कार्ब एंड 60 ग्राम्स ऑफ फैट्स। तो ये टोटली मिलके होता है 2400 कैलोरीज, जो कि मेरे अभी मेंटेनेंस कैलोरीज है। एंड फिर आफ्टर 2 वीक्स, जो जैसे मेरा रिजल्ट दिखेगा, वैसे मैं स्लोली मेरे कैलोरीज डेफिसिट में जाऊंगा और कार्डियो थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाऊंगा, तो वो आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा। तो वहाँ पे बहुत क्रोज नॉइज़ कर रहे थे, तो मैं यहाँ चला आया। यहाँ शैडो भी है, शैडो यश आनंद, शाउट आउट टू शैडो। तो मैं अभी घर जाऊंगा, मेरा फर्स्ट मील लूंगा। 6:30 to 7 बजे मैं जिम को जाने वाला हूँ, तो वहाँ पे मिलते हैं। तो मैं प्री वर्कआउट में ब्लैक कॉफ़ी पीने वाला हूँ विद वॉर्म वाटर विदाउट शुगर। तो मैं आपको जिम दिखाने वाला हूँ मेरी कैसी है, तो आपको वहाँ जाके सब पता चलेगा कि मैं कहाँ पे ट्रेन कर रहा हूँ और कहाँ पे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जब आप मेरी वीडियो देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि मेरी वो प्रॉपर जिम नहीं है, बस वहाँ पे कुछ ठीक ठाक जो चलने वाले इक्विपमेंट्स है, वो भी बहुत ओल्ड इक्विपमेंट्स है। बट आपको उससे समझ में आएगा कि हमें जितना हमारे पास है उतने में खुश होकर उससे 100% आउटपुट लेना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। सो स्टॉप कंप्लेनिंग एंड बी ग्रेटफुल व्हाट यू हैव, और उसका फ़ायदा करके कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस करने की सोचो, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट व्हाट वी डोंट हैव। मैं भी सोच रहा था कि आपको वो जिम दिखाऊँ या ना दिखाऊँ, क्योंकि वो बहुत बेसिक सी जिम है, वहाँ पे सिर्फ थोड़े फार इक्विपमेंट्स है और डंबल्स एंड बारबेल और बेंच। बट बाद में मुझे ये लगा कि मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, जो लॉकडाउन में होने के कारण भी मुझे जिम अवेलेबल है, तो मैं उसका 100% यूज़ कर रहा हूँ। प्लीज़ इग्नोर द नॉइज़, बहुत नॉइज़ आ रही थी। तो मैं बता रहा था कि मैं आपसे कोई सिंपथी गेन नहीं करना चाहता कि मैं ऐसे जिम में ट्रेन कर रहा हूँ या और कुछ, बस ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि जितना हमारे पास है उसमें खुश रहकर हमें उससे
100% आउटपुट लेना चाहिए। हमारा हार्डवर्क मैटर करता है, हमारे पास जो है वो मैटर नहीं करता। सो स्टॉप कंप्लेनिंग एंड बी ग्रेटफुल व्हाट यू हैव। एंड तो यही मैं टाइटल भी रखने वाला हूँ, ये लाइन अच्छी लगी मुझे, अभी दिमाग में आई, स्टॉप कंप्लेनिंग एंड बी ग्रेटफुल इन व्हाट यू हैव। ये थोड़ा नॉइज आ रहा है, उसे प्लीज़ इग्नोर करो, मैं अभी कुछ कर नहीं सकता, बाद में जिम में जाना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सो पीस एंड हाँ, अभी जिम में मिलते, सो वहाँ पे मिलते, बाय। सारे जिम्स बंद है तो मैं यही ट्रेन करने वाला हूँ थोड़े दिनों के लिए, जब तक कि सारे जिम्स ओपन नहीं हो जाते। फर्स्ट डे ऑफ द जिम आफ्टर लॉकडाउन, आज फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे, सो लेट्स सी हाउ इट गोज़।